It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other, where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream. Deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy combat. Register now. हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून वेलकम बैक टू यनल अन अकेडमी गेट सी सी एच सो कैसे हैं भाई सारे दोस्त जल्दी से एक बार कमेंट करके बता देंगे फिर हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे ऑडियो डो क्लियर आ रहा है एक बार जल्दी से कमेंट कर दो और फटाफट सब लोग तहलका मचा दो कमेंट बॉक्स में बहुत ही भयानक सब्जेक्ट शुरू होने वाला अपना बिल्डिंग मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन शानदार तरीके से हम लोग कवर करते हुए चलेंगे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस वगैरह क्या है और किस तरीके से हम लोग अप्रोच करेंगे वन बाय वन डिस्कस करते हैं ना एक बार जल्दी पहले कमेंट कर दो ऑडियो आ रहा है कि नहीं अच्छे से चलो भाई ठीक है हेलो 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 जल्दी कमेंट बॉक्स में बेटा तहलका मचाओ जोश किधर है बेटा कमेंट बॉक्स में जल्दी से तहलका मत जाना चाहिए क्लियर है हेलो हेलो और देखो जितने बच्चे जुड़े हैं अपने साथ धनराज हैं रिया कमलेश भास्कर डिंकी दीपक सुजीत पार्थ नीतीश खुशबू एवरी जितने बालक जुड़ गए हैं भाई सबका स्वागत है भाई सबका स्वागत है आग लगने वाली भाई लोग आज बिल्कुल आई एम वेरी गुड भास्कर बहुत अच्छे हैं सर और देखो तहलका मचाएंगे यार इसी महीने के अंदर बीएमसी पूरा उड़ा देंगे बढ़िया से ठीक है तो चलो समय ना वेस्ट करते हम लोग शुरू करते हैं जरा पहले यार कमेंट बॉक्स में थोड़ी डेकोरेशन कर दो एक बार सजावट कर दो जल्दी से ठीक है तहलका वहलका मचा देंगे सारे लोग फिर सर आगे बढ़ेंगे और आई होप तुम लोग को स्क्रीन एकदम अच्छे से क्लियर है ठीक है सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर है ठीक है सर तो बढ़ते हैं हम लोग आगे फटाफट शुरू करते हैं अपनी क्लास को बेहतरीन ढंग से एकदम सर तो यार देखो काफी बच्चे मुझे अब तक जान गए हैं ठीक है एवरी वन नोज में टिल रहा बिल्कुल मैराथन क्लास मस्त था बिल्कुल ठीक है आपकी थोड़ा तो डिटेल में अच्छे चीजों को समझते हुए चलेंगे चीजों को लिंक करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे काफी सारी चीजें होने वाली सिलेबस के अंदर और फोकस हमारा गेट ई एस सी और एस सी जेई के ऊपर रहेगा बात करते हैं हम लोग फटाफट -फड़ बात करते हैं उससे पहले जो नए बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हैं अभी जो सर को नहीं जानते उनको मैं जल्दी से अपने बारे में बता दूं थोड़ा सा तो एवरी वन नोज में टिल रहा माई नेम इज चेतन सक्सेना तुम आप देख सकते हो बेस्ट गेट रैंक फिफ्टी फाइव एंड थ्री वन और एक्सपर्ट हूं मैं बेटा गेट में ई में और एस एस जेई और जो भी तुम्हारे टेक्निकल से जुड़े हुए पेपर्स हैं उनमें एक्सपर्ट हूं मैं सिविल इंजीनियरिंग के स्पेशली ठीक है सर ने काफ़ी मेहनत कर रखी है और एम टेक यार सर ने अपना आई टी से कर रखा है स्ट्रक्चर में लगातार चार बार गेट निकाला हुआ है बेस्ट गेट रैंक है सर की फिफ्टी और बेस्ट गेट स्कोर है नाइन ठीक है हर बार एक टॉप रैंक के साथ सर ने गेट निकाला हुआ है टीचिंग एक्सपीरियंस तीन साल से ऊपर का है सब्जेक्ट्स ये सब हैं जिनमें सर कंफर्टेबल है तुम लोग जानते हो स्ट्रक्चर्स के जितने पोर्शन हैं और इसमें बीएमसी तो है ही बिल्कुल बीएमसी एम गया ये रहा बीएमसी फिर सीपीएम पार्ट मैथ्स बाकी सर से तुमने तो बहुत कुछ पढ़ ही रखा है काफी बच्चों ने सर से बहुत कुछ पढ़ रखा है गेट ट्वेंटी से पहले है ना तो यही है बस बाकी तुम लोग को पता है कोड सर का क्या है सी एस टेन सी एस टेन कोड यूज़ करके तुम लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अब तो आ, दो सब्सक्रिप्शन है वहाँ पास एक रहता है प्लस का जिसके अंदर लाइव क्लासेस हैं आपके पास क्रैश कोर्सेज हैं बहुत सारे ठीक है वीकली टेस्ट हैं डाउट सॉल्विंग है इंग्लिश हिंदी और आए ठीक है अगर मान लो तुमने प्लस में पुराना कुछ मिस भी कर दिया है तो रिकॉर्डेड पड़ा रहता है हमेशा वो तो ऑप्शन हमेशा ही है रिकॉर्डेड यहाँ पे हर चीज पड़ी रहती है और लाइव क्लासेस आती जाती है जो तुम लोग बैच के फॉर्म में आराम से देख सकते हो ठीक है मतलब कुल मिला तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है अपना घर बैठे बैठे तैयारी तुम कर सकते हो ठीक है उसके बाद हमारा आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर क्या है सर प्लस के सारी फैसिलिटीज फे, तो हैं जितनी फैसिलिटीज हमारी प्लस की हैं वो सब आइकॉनिक के अंदर हैं लेकिन क्या है सर इसमें एक एक्स्ट्रा चीज मिल रही है बहुत ही कमाल की जिसको हम लोग बोल रहे हैं पर्सनल कोच पर्सनल कोच तुमको बढ़िया से गाइड करेगा यार तुम्हारी तैयारी के दौरान और तुमको बताएगा किस किस तरह से तुम अपनी स्टडी को प्लान करना है ठीक है तो स्टडी प्लानर तुमको यहाँ मिल जाता है उसके बाद तुमको यार स्टडी मटेरियल मिलता है भाई इसमें स्टडी मटेरियल मिलता है जो तुमको ये बताएगा कि किस ये बहुत ही सिस्टमेटिक कंटेंट है ये स्टैंड बुक्स की तरह नहीं है ऑब्वियसली तुम्हें पता है जो कोचिंग के मटेरियल्स होते हैं बहुत ही सिस्मेटिक ढंग से उनको बनाया जाता है डिज़ाइन किया जाता है ताकि पढ़ने में आसानी रहे है ना बिल्कुल सही बात है सर बाकी टेस्ट की एनालिसिस होगी इन डेप्थ में और स्टडी बूस्टर सेशन कुछ वर्कशॉप वगैरह भी होंगे टॉपर द्वारा जिससे तुमको तैयारी करने में थोड़ी आसानी हो फीस वगैरह अगर बात करें तो प्लस की एक साल की डेढ़ साल की दो साल की फीस तुम्हारे सामने लिखी हुई है दो साल की और एक साल की तुम प्रेफर कर सकते हो दो साल लगभग चालीस हजार है और एक साल लगभग ट्वेंटी सेवन थाउजेंड है लेकिन हाँ कोड लगाने के बाद कोड सबको पता है सीएस एन इज माई कोड विच यू हैव टू यूज इफ यू वॉन्ट टू टेक सब्सक्रिप्शन तुम कभी भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो सी एस एन कोड यूज करोगे ठीक है ओके okay, और आइकॉनिक की अगर हम बात करें आइकॉनिक की फीस यहाँ देख सकते हैं एक साल की कितने की है की और दो साल की लगभग कितनी है की की सर ये बात हो गई सब्सक्रिप्शन और बाकी अन अकेडमी की ऐप पे जुड़ने की ठीक है तो ऐप पे सारे बच्चे जुड़ जाएंगे यार बढ़िया से ऐप पे सारे बच्चे जुड़ जाएंगे सब लोग की ऐप डाउनलोड कर लेंगे और वहां पे आराम से अपनी तैयारी पे चार चांद लगाते हुए तैयारी कर सकते हैं सर जो है बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं कहाँ पे अनकेडमी की ऐप पे सबको पता है ये ऐप है तुम लोग सर्च कर सकते हो सिंपल सर्च करो अन अकेडमी पे एट द रेट चेतन सक्सेना और मुझे फॉलो कर सकते हो बढ़िया बड़े स्पेशल क्लासेस आएंगी इस महीने सर क्या करने तो बात कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग बी का सिलेबस डिस्कस करेंगे ई का और एस का ठीक है गेट में इतना है नहीं बात कर लेंगे वन बाय वन ठीक है चलो देखते चलो जल्दी से अच्छा पर्सनल कोच मारेगा नहीं अच्छा पर्सनल कोच बेटा मारेगा नहीं वर्चुअल है वर्चुअल मतलब कैसे अब बताओ हम मार सकते हैं तुमको हमें तो बहुत मारने का मन करता है जिससे कमेंट तुम लोग करते हो मन करता तुमको पीट दें लेकिन अब क्या करें पीट सकते ही नहीं है कि नहीं लेकिन नहीं आजकल बच्चे जो है बड़े हो गए आज सब आजकल सारे बच्चों की अपनी खुद की बहुत इज्जत है इसलिए सर पीटेंगे टेंगे नहीं मजाक कर रहे हैं है ना चलो ठीक है और कोई कमेंट वमेंट नहीं कोई कमेंट नहीं ठीक है भाई चलते हैं चलते हैं हम लोग ठीक है जल्दी जल्दी देखते हैं सिलेबस पहुंच जाते हैं एक बार फिर शुरू करते हैं मजा आएगा है ना और हाँ एक बार जल्दी से बात कर लो यार क्या पढ़ाएंगे इस महीने ताकि तुम लोग को पता रहे कि सर इस मंथ क्या क्या लेने वाले हैं सुबह सबको पता है सेवन ए एम पे अपना आरसीसी चल रहा है आरसीसी एक बार बता देते हैं सात बजे सुबह उठ जाए करो थोड़ा दस मिनट उधर उधर हो सकता है तुमको पता है सर की नींद थोड़ी सी सुबह दिक्कत में रहती है ना तुम लोग साथ ही होता है कोई बड़ी चीज नहीं है अगर दस पंद्रह मिनट लेट हो जा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ठीक है इसके लिए हमेशा सब सारे बच्चे मेंटली तैयार रहेंगे पहले से सर बता दे रहे हैं ठीक है सेवन एम पे अपना आर चलेगा उसके बाद क्या होना पी एम पे, पे सर हमारा चलने वाला है बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन और ये दोनों ही चल रहे हैं सर ई के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है ई के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे मेनली गेट ई ए ऑब्वियसली ई होगा तो गेट तो हो ही जाएगा गेट में कुछ बहुत खास तो है नहीं सर गेट सबसेट है उसका ऑब्वियसली ई का तो ये दोनों चलने वाले हैं बाकी यार बहुत से बच्चे एस्टिमेशन कॉस्टिंग का बोले तो बचा बच्चा वो जो एस्टिमेशन कास्टिंग वो सर स्पेशल क्लास में ले लेंगे ठीक है स्पेशल क्लासेस सर कोशिश कर रहे हैं कि आज ही शाम से शुरू करें क्लास का लिंक क्रिएट नहीं हो रहा है लेकिन पाँच बजे रोज तुम्हारी एस्टिमेशन एस इस कॉस्टिंग की क्लासेज रहेंगी और उसमें लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे ठीक है तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग तुम्हारा शाम को स्पेशल क्लासेस में चलेगा बात समझ में आ गई होगी सबको तो ये तीन क्लासे हैं जो चलने वाली हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग फाइव पी बात समझ गया सर और फाइव पी एम एस्टिमेशन कास्टिंग कहाँ पर स्पेशल क्लास में स्पेशल क्लास में ठीक है और ये दोनों हमारा चलने वाला है ये दोनों हमारा कहाँ चल रहा है यूट्यूब के ऊपर इतना तुमको पता रहना चाहिए ठीक है ये हमारा यूट्यूब पर चलेगा ठीक है और बाकी प्लस पे इस महीने आर सी चलेगा प्लस फेस महीने आर चलेगा मोस्ट प्रॉब्लली आठ तारीख से मतलब नेक्स्ट वीक से ठीक है एट ऑफ मार्च एट मार्च से आर चलेगा प्लस और आइकॉनिक के ऊपर ठीक है जो भी मतलब सब्सक्रिप्शन वाले बच्चे हैं वो ये बात जान सकते हैं ठीक है अगर तुम लोग प्लस पे आर पढ़ना है उससे तो तुम लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एज यूज तुमको पता है ठीक है तो ये सारी कहानी है जो सर डील करने वाले हैं पूरे मंथ सबको समझ में आ गया होगा ये प्लस का हिसाब किताब है ये एस्टिमेशन का हिसाब किताब है इसमें स्पेशल इस क्लास में जो बच्चे हुए टॉपिक है वो कवर कर देंगे और कुछ क्वेश्चंस भी तुम लोग करा देंगे सर जो इंपॉर्टेंट रहेंगे एसएससी के एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि मार्च को पता है पेपर है तो हम लोग अभी पांच दस क्लासों के अंदर इसको देख लेंगे ठीक है चलिए सर और ये चलने वाला है तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रभु का नाम लेके प्रभु का नाम लेके हम लोग शुरू कर रहे हैं सर बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन बड़ा ही कमाल का टॉपिक है सर बड़ा ही कमाल का टॉपिक है आज तक दिमाग में गया ही नहीं सर हमारे इतनी बार हमने पढ़ा है कभी कुछ याद ही नहीं होता है ना यही समस्या है इतनी बार पढ़ रहे हैं कभी कुछ याद नहीं हो रहा सर कुछ ऐसा जादू कर दीजिए जिससे सारी चीजें दिमाग में चली जाए तो बस तुम लोग एकदम सही जगह आए हो सर से पढ़ो और सर तुमको जादू की तरह सारी चीजें दिमाग में रटवा देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा देंगे तो कहीं कोई गुंजाइश बचेगी नहीं ठीक है सिलेबस डिस्कस करते हैं यार बिल्डिंग मटेरियल का वन बाय वन ठीक है बिल्कुल हाँ इंटरनेशनल वुमेंस डे है एट मार्च को बिल्कुल सही खुशबू जी लिंक मिल जाएगा जय के भी बिल्कुल क्वेश्चन कराएंगे बिल्कुल यार बिल्कुल बिल्कुल होगा और जी अस्टमीट आज तीन घंटा लेकर ख़त्म कर दीजिए अच्छा ये बढ़िया सजेशन बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं यार और क्या करना है होशियार हो गए आपके स्टूडेंट बिल्कुल सही बात है कंप्लीट कोर्स होगा बिल्कुल यार और हाँ आज फाइव पी पे एसमेशन की क्लास होगी ठीक है चलो कमेंट तुम लोग को देख लिए हैं और जल्दी जल्दी सब लोग लाइक ठोक देंगे फटाफट यार यार बच्चे ज़्यादा रहते हैं लाइक कम रहते हैं ऐसा क्यों होता है बताओ यार सर सर तुम लोग को पसंद नहीं आ रहे हैं बिल्कुल सर सर जो है सिविल के हीरो अच्छा हीरो हीरो कुछ नहीं मेहनत करो सब हीरो तुम लोग बन जाओगे सर चाहते हैं तुम लोग हीरो बनो और तुम लोग भी हीरो प्रोड्यूस करो आगे ये कोशिश है चलो डिस्कस करते हैं यार हम लोग सिलेबस जल्दी से पहले तो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सब लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ईएससी का सिलेबस लिखा हुआ है ईएससी में सबको पता है पेपर वन पेपर टू दो होते हैं ठीक है पेपर वन पेपर टू पेपर वन के अंदर छह सब्जेक्ट होते हैं सर उसमें एक सब्जेक्ट है अपना बिल्डिंग मटेरियल बल्कि पहले ही है ठीक है पेपर वन के अंदर छह सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल सोम स्ट्रक्चर आरसीसी स्टील और सीपीएम पार्ट या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कह सकते हो उसमें पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है सर बिल्डिंग मटेरियल्स यहाँ पे लिखा हुआ है सर साफ साफ एकदम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं एक बार और देख लेते दे हैं किसका क्या वेटेज है और कैसे कैसे हम लोग उसको पढ़ने वाले वन बाय वन तो तुम देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है कि आपना lime, stone, stone जैसे तुमने पढ़ रखे होंगे सब ने स्टोन है वन बाय चीजों को समझेंगे कैसे क्या स्टोन का हिसाब किताब है फिर लाइम हमारा चूना लाइम इज नथिंग एल्स ठीक है हाइड्रोलिक फैट लाइम इसमें छोटा टॉपिक है यार एक बस आधे घंटे का टॉपिक है लाइम है ना बहुत छोटा है फिर ग्लास के अंदर ग्लास भी ग्लास का जो प्रॉपर्टीज है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ग्लास होता क्या है कितने टाइप के ग्लास हैं और क्या क्या यूजेस हैं जनली तुमसे पूछ सकते हैं कि कॉमन ग्लास क्या होता है है ना बेसिक कुछ चीजें पूछ सकते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चन बन सकता है ऐसी मेन में क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं कि ग्लास की प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा लिख दीजिए जरा है ना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो वो सब लोग देखेंगे ठीक है ग्लास आखिर बनता है, कैसे है उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर क्या है हर एक चीज हम लोग लो समझेंगे आगे ठीक है ग्लास ग्लास जब पढ़ेंगे तब ऐसी प्लास्टिक्स यार वॉट इज प्लास्टिक ठीक है प्लास्टिक के अंदर भी काफी सारी चीज़ें हैं तुमने सुना होगा पॉलीमर होते हैं हमारे ठीक है मोनो पॉलीमर बाय पॉलीमर मतलब बहुत सारे तरह के पॉलीमर है ठीक है हम लोग को वन बाय वन पढ़ने पड़ेंगे उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स जो हमको याद करने पड़ेंगे यार कुछ एग्जाम्पल्स हमको याद करने पड़ेंगे जैसे तुमने सुना भी होगा हेक्सा मिथालीन डायमाइन है ना और कई सारे होते हैं एक एक करके हम लोग देखेंगे इसके अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन देखना होता है प्लास्टिक्स के क्या क्या टाइप्स हैं एक डिफरेंस बहुत कॉमनली पूछा जाता है जैसे तुम्हारा थर्मो सेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स में क्या फर्क है ना थर्मोसेटिंग थर्मो में तो ये सब चीजें प्लास्टिक के अंदर देखेंगे इनकी प्रॉपर्टी समझेंगे कहां कहा यूज है प्लास्टिक का बहुत ही वाइड यूज है सबको पता ही है, है ना और पॉलीथीन क्या होती है सब बहुत सारी चीजें यार इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं थोड़ा सा इसका लंबा चैप्टर थोड़ा सा देखेंगे इसको इंपॉर्टेंट है थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये में मेन से पूछा गया है प्लास्टिक से पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है उसके बाद स्टील यार स्टील कैसे बनती है उसका मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस क्या है और बेसिक प्रॉपर्टीज ठीक है मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस और बेसिक प्रॉपर्टीज हमको समझनी पड़ेंगी स्टील की जैसे डेंसिटी क्या है उसकी है ना और टी एम टी बार्स क्या होती है मतलब कई तरह की स्टील यार स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है स्टील बिना कुछ नहीं हो सकता ठीक है स्टील तुमको पता भी होना चाहिए इंडिया बहुत लार्ज स्केल पे स्टील को मोनुफैक्चर करता है और इतना स्टील हम लोग के पास इवन हम लोग बाहर भी भेजते हैं स्टील को है ना स्टील बाहर भी जाता है हम लोग के पास इतना ज्यादा है ठीक है हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं चलो आगे सुनो आगे सुनते चलो उसके बाद एफ आर पी फाइबर रोस्ड पॉलीमर फाइबर इनफोर्स पॉलीमर ये भी एक अच्छा एडवांस मटेरियल जिसको हम लोग यूज करते हैं ठीक है बिल्कुल अच्छा अमन कह रहे हैं सर गेट सी सी एच के जसपाल सर अच्छा चलो बढ़िया है ई एस सी में सब्जेक्ट वाइज पेपर होता है नहीं बेटा पेपर ऑन पेपर टू दो होते हैं अच्छा एस्टिमेशन नोट्स पॉपुलर हो रहे हैं अच्छी बात है अच्छी बात है सर ने भेजे इसने ताकि तो लोग को फायदा हो यार है ना तो एफ आर पी सर हमको पढ़ना है फाइबर इनफोर्स पॉलीमर काफी आजकल यूज होता है तुमको इसकी टफनेस और इम्पैक्ट है बताएंगे एग्जाम्पल दिखाएंगे तुमको बढ़िया से इसकी इसकी प्रॉपर्टी समझेंगे टफनेस मेनली जानी जाती है इसकी। है है सिरेमिक्स इसको भी समझना एल्यूमिनियम हमारा नॉन करेस्टमेटल में आता है इसको भी समझना है इसकी प्रॉपर्टीज मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस क्या क्या और है जिससे एल्यूमिनियम हमारा बनता है ये सब सीखना पड़ेगा ठीक है प्रॉपर्टीज यू देखो जनरली तुम्हारे जितनी भी चीजें लिखी है सबका क्या करना है प्रॉपर्टी यूजेज प्रॉपर्टी यूजेज यही करना है बस प्रॉपर्टी पर पढ़ो जानो काम खत्म ठीक है तो सिरेमिक अभी तुमको पता ही नहीं होगा सिरेमिक होता है क्या है ना कैसे मैनुफेक्चर हो रहा है इंडस्ट्रियल नेम्स वगैरह क्या है फिर फ्लाई एच यार अभी इंटरव्यू में इंटरव्यू में काफी क्वेश्चन आजकल फ्लाई वगैरह के ऊपर पूछे जाते हैं क्योंकि फ्लाई फ्लाइए एक बहुत ही हॉट टॉपिक है सबको पता है मोदी जी कहते ही बहुत ज्यादा है मोदी जी इस वीजे तुमने अक्सर सुना भी होगा कि भाई देश में बहुत ही ज्यादा कोयला जलता है तो कोयले से बनती है राख कोयला जब जलता है तो कोयले से बनती है राख उस राख को मैं क्या बोलता हूँ फ्लाईयश बोलता हूँ भाई है ना उस राख को मैं क्या बोलता हूँ फ्लाईस बोलता हूँ अब फ्लाई फ्लाईस बहुत ज्यादा हो गई है इतनी ज्यादा हो गई कि हमको उसको इस्तेमाल करना पड़ रहा है यूज करना पड़ रहा है कहीं पे अन्यथा वो फ्लाई फ्लायश बड़ी दिक्कत देगी हमारे इन्वायरमेंट को समझ रहे हो बहुत ही छोटे छोटे ग्रेनुअल पार्टिकल होते हैं सिलिशियस मटेरियल होता है तो इसके साथ क्या क्या -कर करते हैं लोग बात करते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे इसको सीमेंट वगैरह में यूज कर लेते हैं ब्रेक वगैरह में यूज कर लेते हैं काफी सगे इसको यूज किया जा रहा है भाई ठीक है ताकि फ्लाई फ्लाइएस से इन्वायरमेंट बर्डन ना पड़े तो मोदी जी अपने भाषण में तुमको जनरली कहते हुए मिलेंगे कि वहाँ सीमेंट में ब्रिक्स में फ्लाई यश इस्तेमाल हो रही है एनटीपीसी टी जो फ्लाई यश निकलती है वो यूज़ कर रहे हैं ना तो ये सब काफ़ी कहा जाता है तुम लोगों को पता होना चाहिए कि अपने देश में जो बिजली बनती है यार सबको पता है अपने देश में जो बिजली बन रही है वो मेनली कोयले से बनती है लगभग फोर्टी जो बिजली हमारे यहाँ विद्युत उत्पन्न हो रहा है वो सब हो रहा है कोयले को जला के भाप बना के वो भाप या स्टीम जिसे कहते हैं हम लोग टर्बाइन घुमाती है और फिर हमारी जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी ठीक है तो फ्लाई यश बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग के पास है उसे हमने यूज़ करना इंपॉर्टेंट ठीक है फ्लाई फ्लाइए की ब्रिक्स भी बनती हैं हल्की होती हैं और बड़ी होती हैं आजकल देखा भी होगा तुमने तो बहुत फ्लाई की ब्रिक्स यूज हो रही हैं तो फ्लाई फ्लाइए की जो भी प्रॉपर्टीज हैं क्या मटेरियल है क्या उसका कम्पोजिशन है वो समझेंगे और उसके यूजेस क्या है, वो देखना है है ठीक कुछ एडमिक्स हमको समझने पड़ेंगे जो सीमेंट कॉन्क्रीट के अंदर हम लोग देखते हैं एडमिक्सर देखने पड़ेंगे अच्छे से हम लोग को ठीक है जैसे मैं सुना भी होगा रिटार्डर एक्सलेटर है ना एयर एंट्रेनिंग एजेंट ये सारे एजेंट्स हम लोग अच्छे समझेंगे यही सब एडमिक्सर है ठीक है प्लास्टिसाइजर सुपर प्लास्टिसाइजर ठीक है ये सब हम लोग समझेंगे फिर टिम्बर है लकड़ी के बारे में समझना है लकड़ी के ऑब्वियसली पहले प्रॉपर्टीज फिर क्लासिफिकेशन क्या क्या यूजेज है लकड़ी को बचाते कैसे हैं कैसे प्रिजर्व करते हैं फायर रेजिस्टेंस क्या होती है बहुत सारी चीजें लकड़ी के अंदर भी टिम्बर हम लोग देखेंगे उसको कैसे कट करते हैं ठीक है सुनते चलना भाई सुनते चलना ओके ओके नहीं तुम लोग कोई नहीं बेचेगा चिंता ना करो और ब्रिक्स है ब्रिक्स और एग्रीगेट ठीक है एग्रीगेट स्टोन का ही पार्ट है एग्रीगेट तुमको स्टोन ही पढ़ा देंगे एग्रीगेट तुमको पता है कोर्स एग्रीगेट जो लोग यूज करते हैं सीमेंट के अंदर वो एग्रीगेट है ठीक है इसके कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं जो लोग समझने पड़ेंगे पढ़ भी रखे होंगे कुछ टेस्ट वगैरह इलांगेशन इंडेक्स फ्लेकिनेस इंडेक्स सुनते चलो देखो तुम लोग नेम लिंक कर पा रहे हो कि नहीं कभी सब तुम्हारे सामने आया है बीटेक में या किसी एग्जाम में तो वो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे वन बाय वन ठीक है ब्रिक्स के अंदर ब्रिक्स का कॉम्पोजिशन क्या है ब्रिक्स का कॉम्पोजिशन क्या है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है प्रॉपर्टीज क्या है अच्छा ब्रिक कैसा होना चाहिए उसका वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होना चाहिए बहुत सारे टॉप चीजें हैं जो ब्रिक के अंदर हम समझेंगे क्या क्या कैसे मेनुफैक्चरिंग होती है ब्रिक की ब्रिक बनता है कैसे है ठीक है ब्रिक के टेस्टिंग क्या है कोड क्या है काफी सारे क्वेश्चन याद देखो ब्रिक इंपॉर्टेंट है एसी के लिए ब्रिक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बने हैं और मेन से क्वेश्चन पूरे डिटेल आए हुए हैं कि सारे टेस्ट लिख दो ठीक है प्रॉपर्टीज लिख दो काफी सारे क्वेश्चन ब्रिक से बने हुए हैं उसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज एंड सिलेक्शन ये सब ऊपर का है हर एक चीज का क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज यही तुमको बता रहे हैं जितनी चीजें ऊपर लिखी हैं सबका क्लासिफिकेशन करो प्रॉपर्टी समझो और उनका यूज क्या है यही तो बात हुई है बिल्कुल सही बात है ठीक है और यूज करते समय उनको कैसे चुनेंगे क्या क्राइटेरिया होना चाहिए तुम्हें पता होना चाहिए टिम्बर अच्छा कैसा होता है ब्रेक अच्छा कैसा होता है ठीक है ये सब एज अ सिविल इंजीनियर तुमको पता रहना चाहिए ठीक है सर बात समझ में आ गई हमको बहुत कहानी समझ गए अब आता है अपना मेन टॉपिक जिसका नाम है सीमेंट ठीक है सीमेंट है अपना मेन टॉपिक सीमेंट अपना मेन टॉपिक है सीमेंट होता क्या है उसका कॉम्पोजिशन क्या है टाइप्स बहुत टाइप के सीमेंट सर तुमको पढ़ाएंगे कम से कम तुमको पंद्रह बीस टाइप के सीमेंट सर बनाने वाले क्योंकि अब डिटेल चलेगा थोड़ा सा पहले तुमको सर ने आठ नौ मेन पढ़ाए है हुए हैं अब तुम्हें पंद्रह बीस पढ़ाएंगे सर अच्छे से ठीक है टाइप्स हम लोग सारे देखेंगे और कॉम्पोजिशन समझेंगे आखिर सीमेंट बनता कैसे है हमारे घर में सर ए सी सी सीमेंट आता है आखिर उस सीमेंट के अंदर क्या है इस सीमेंट के अंदर क्या है रहस्य को पता लगाएंगे क्या पता आज ही हम लोग उसको समझ पाएं फिर हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे सर बढ़िया तरीके से एकदम प्रॉपर्टीज देखेंगे कि सीमेंट की प्रॉपर्टी क्या है यार सीमेंट की प्रॉपर्टी को बहुत बड़ी चीज तो है नहीं यूज सबको पता है यूजेस यूजेस बहुत लोगों ने देख रखे हैं कहा सीमेंट यूज नहीं कर रहे हो अपने घर में ये जो अपने जहां बैठे हो आस देखो नजर घुमाओ सीमेंट सीमेंट तो है भाई कॉन्क्रीट ही कॉन्क्रीट है बिल्कुल है ना बिल्कुल पेंट पढ़ा देंगे चिंता ना करो चलो सुनते रहो सुनते रहो सर ने तो क्रैश कोर्स में तुम को बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है ठीक है उसमें थोड़ा डिटेल में चलेंगे हम लोग यहाँ पे फिलहाल और सीमेंट के स्पेसिफिकेशन वेरियस टेस्ट टेस्ट पढ़ने यार काफ़ी सारे सीमेंट के टेस्ट से यार जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं भाई सीमेंट के टेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जैसे तुमने टेस्ट वगैरह सुने भी होंगे कौन से टेस्ट सर कुछ याद नहीं आ रहा सर हमको फाइननेस टेस्ट सुना है बताओ सेटिंग टाइम टेस्ट सुना है कंसिस्टेंसी टेस्ट सुना है हाइड्रेशन टेस्ट सुना है बताओ ये सब टेस्ट है तुमने सुना होगा साउंडनेस टेस्ट लीच एटेलियर है ना दुनिया भर के जो टेस्ट है वो हम लोग सीमेंट के पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनते हैं जम के एकदम प्री में जितने भी तुम्हारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सीमेंट के टेस्ट से क्वेश्चन ना आए मतलब समझो पेपर आधा है पेपर आधा अधूरा है है ना तो हम लोग सीमेंट को सबसे तो स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद सर लाइम एंड सीमेंट मोटार सर ये मोटार क्या होता है वॉट इज मोटार मोटार हमने सर आज तक नहीं सुना मसाला बेटा मसाला जानते हो सर उसे बोलते हैं मोटार है ना मोटार को अलग से एक चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है हम लोग क्या करते हैं सर मोटार बनाते हैं सीमेंट और सैंड से सीमेंट सैंड ले लो लाइम और सैंड ले लो कुछ भी ले सकते हो एक बाइंडिंग और एक एडल्ट्रेंट

वॉटर टाइटनेस बढ़ जाती है तो ये जितनी प्रॉपर्टीज हैं सर तुमको बहुत ही शानदार तरीके समझाने वाले हैं मजा आ जाएगा भाई तुमको मजा एकदम मतलब ये मान के चलो यार तुमने अगर ये सिलेबस पूरा कवर कर लिया सर से तो तुम कहीं से क्वेश्चन लगाओ अगर एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स या अनकन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आए वो तुम आराम से कर ले जाओगे ठीक है जितने भी एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है उसको अगर उसकी गारंटी सर नहीं ले रहे हैं लेकिन एट्टी नाइनटी क्वेश्चन जो बेसिक से तुम गेस भी कर सकते हो वो तुम गेस कर ले जाओगे अगर तुमने लॉजिक से सारा कुछ पढ़ डाला सर से है ना तो लाइम मोटर हो गया सीमेंट मोटर हो गया ठीक है सीमेंट के बाद सर अपना अगला टॉपिक है कॉन्क्रीट जबरदस्त क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन भर के आते हैं इसमें इसमें से क्वेश्चन पूरे ऊपर में बिछे रहेंगे एकदम मतलब कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टी ले लो चाहे उसकी टेस्टिंग ले लो चाहे उसका स्ट्रेंथ ले लो चाहे उसकी वर्केबिलिटी ले लो कॉन्क्रीट से बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई कॉन्क्रीट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं उसके जितने भी टेस्ट प्रॉपर्टी ठीक है डिजाइन कैसे करते हैं नॉमिनल मिक्स वगैरह तुमको पढ़ाया है सर ने पहले कभी है ना तुमने पढ़ा रखा होगा अलग बात है मिक्सेस होते हैं प्रपोशनिंग कैसे करते हैं मेथड्स ऑफ सब समझेंगे हम लोग ठीक है कंक्रीट सीमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनका वेटेज काफी ज्यादा है तो ये हमारा सर हो गया ई का सिलेबस पूरा सर दिमाग हमने सेट कर लिया है वन वन बाय करके चलेंगे अच्छे से डिस्कस करते रहेंगे ठीक है हेलो गुड आफ्टरनून एवरी गुड आफ्टरनून बिल्कुल हाँ क्रैश कोर्स नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं <laughs> तुम लोग यार चलो ठीक है जोश ज्यादा हो गया मतलब है तो जोश सही है ना जोश होना चाहिए यार जोश होना चाहिए बिल्कुल तो क्या बता रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल अपना हो गया ये पूरा एस का सिलेबस हमारा कवर हो गया ठीक है इसको लाइन में लाइन देखेंगे सबसे पहले हम लोग सीमेंट फिर कॉन्क्री फिर ब्रेड टिब्बर और फिर बाकी ये सारे मिसलिनियस टॉपिक्स हम लोग लाइन से देखते हुए चलेंगे ठीक है क्वेश्चन भी सर तुमको करा देंगे ठीक है और बहुत सारे क्वेश्चन सर ने पहले ही टाइप करा के रखे हुए हैं सब लोग लाइन से क्वेश्चन देख लेंगे चाहे ए का हो चाहे गेट में ज्यादा कुछ आया है नहीं और एस का भी देख लेंगे थोड़ा एस एस का सिलेबस देख लेते हैं सर तो ईएस का सिलेबस सर पूरा हो गया है थोड़ा गेट का पहले बताइए सर पहले थोड़ा गेट का बताइए हम लोग को गेट भी देना है आपने तो गेट का सिलेबस ही उड़ा दिया सर से गेट का सिलेबस उड़ा दिया सर आपने अरे गेट के सिलेबस कुछ ज्यादा लिखा ही नहीं है दो वर्ड लिखे हुए हैं तुमको यहां लिख दे रहे हैं दो वर्ड क्या है दो वर्ड एक लिखा है गेट में कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और दूसरा लिखा है स्टील अब यार कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स तुम बताओ क्या होंगे तुम मुझे बताओ कंस्ट्रक्शन किस मटेरियल से करते हैं सर ये तो बहुत आसान बात है कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो बहुत आसान बात है क्या हमको पता ही है सर ईंट लेते हैं ब्रिक है टिम्बर है सीमेंट कॉन्क्रीट और क्या यही तो दो चार हैं तो बस इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर है ना तुमसे बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाएंगी कि सीजनिंग क्या होता है ड्रेसिंग क्या होता है बेसिक चीजें एकदम है ना बेसिक रिपेयर वर्क में कौन सा सीमेंट का टाइप यूज करते हैं तो ये सब हमारे गेट में क्वेश्चन आते हैं गेट मेनली तुम ये मान के चलो कंस्ट्रक्शन मटीरियल लिखा और स्टील लिखा हुआ है दो वर्ड लिखे हैं यार एक लिखा है कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स और दूसरा लिखा हुआ स्टील इनसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं के अंदर, में है मेरे से, और से तुमको देखने को मिलेंगे मोस्टली है सब कुछ सीमेंट और कॉन्क्रीट सीमेंट और कॉन्क्रीट ही है सब कुछ, कुछ. बात समझ गया सर एस एस सी का सिलेबस डिस्कस करिए तो जो बच्चे अभी मार्च में एस एस सी देने जा रहे हैं भाई दस दिन के अंदर तुम बनने वाले चैंपियन ठीक है चैंपियन बना देंगे सर तुमको यहाँ देखो बहुत ध्यान से क्या लिखा हुआ है क्या लिखा है सर यहाँ पे कि हमको बिल्डिंग मटेरियल पढ़ना है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड टेस्ट यूजेस एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल्स बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिख दिया इसने कुछ ज्यादा लंबा नहीं दिया है अच्छा किसकी सर हमको प्रॉपर्टी पढ़ना है क्लासिफिकेशन पढ़ना है टेस्ट पढ़ना है इस्तेमाल पढ़ना है और कैसे उस मटेरियल को ऑप्टेन कर रहे हैं हम कैसे उसको जमीन से निकाल के लेके आ रहे हैं हमको ये समझना है किन किन के बारे में पहला स्टोन देखो यहाँ क्या लिख रहा है स्टोन देखो सर तुमको यहां ही पढ़ा देंगे है ना तो कॉमन हो गया कॉमन देखो है ना बिल्डिंग स्टोन्स ठीक है बिल्डिंग स्टोन समझ गए वैसे स्टोन ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, material, है? ये हम तुम बताएंगे। भी तुम्हारा सिलिकेट बेस्ड है सिलिकेट है? बेस्ड और ये, है, है? ये देख लेना देखेंगे हम लोग बाकी सीमेंट अभी शुरू हम लोग फिलहाल सीमेंट से करेंगे ठीक है सीमेंट से ही शुरू करेंगे सीमेंट हो गया एक और हमारा हो गया बिल्डिंग स्टोन हो गया देखते चलो और क्या एस्बेस्टोस के प्रोडक्ट एजबेस्टोज हाथों को बता देंगे वॉट इज एजबेस्टोज बहुत सिंपल चीज होती है सीमेंट और सैंड का पेस्ट को जब बहुत प्रेशर से दबाओगे तो बनेगा एजबेस्टोस क्या बनता है एजबेस्टोज उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं काफी सारे पाइप्स वगैरह बनती हैं सीवर पाइप्स बनते हैं है ना और हमारा रूफ रूफिंग होती है एसबेस्टो से काफी सारे प्रोडक्ट बनते हैं देखेंगे वन बाय वन ठीक है एसबेस्टो का काम क्या है ब्रिटल मटेरियल होता है प्रॉपर्टीज क्या होंगी हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे उसके बाद टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे कि टिम्बर का एक प्रोडक्ट होता है लेमिनेट है ना टिम्बर का एक प्रोडक्ट क्लाइमेट भी होता है तो ये सब हमको टिम्बर है एक्स्ट्रा क्या है सर इसमें ये सब तो उधर भी है देखो तुमको एक्स्ट्रा दिख रहा है यार बिटुमिनस मटेरियल तुमको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं और पेंट वार्निश तुमको एक्स्ट्रा दिख रहा है ठीक है पेंट वार्निश तो सबसे आखिरी में सर तुमको यही पढ़ाएंगे सबसे आखिरी में सर तुमको क्या पढ़ाएंगे बिटुमिनस मटेरियल पेंट वार्निश और ये क्या नाम है एसबेस्टोस ये तुमको सबसे लास्ट में पढ़ाया जाएगा वरना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ठीक है चलो भाई अब बढ़ते हैं हम लोग आगे लेक्चर टाइमिंग कब चेंज की हाँ पहले सीमेंट ही होगा बिल्कुल आदर्श कह रहे हैं इरिगेशन एस्टिमेशन कॉस्टिंग देखो आदर्श एक बात सुनो इरिगेशन जो उस समय हुआ था वो उसको भूल जाओ अभी सर नया इरिगेशन स्टार्ट करेंगे उसको पढ़ लेना इस ईयर में है ना अगले एक आध महीने में और जो एस्टिमेशन है वो तुमको स्पेशल क्लास कर, करा देंगे अगर तुमको आदर्श रिकॉर्डेड देखना है तो सर ने स्पेशल क्लास में पीछे जाके सर को फॉलो करना अन ऐप कैपे वहाँ पर सर ने करा रखा है पांच घंटे में ओनली ठीक है रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है ठीक है लेक्चर टाइमिंग सबको पता चल गई अब कोई दिक्कत नहीं है हाँ रटना पड़ेगा बहुत लेकिन सब कुछ समझ जाओगे रटना पड़ेगा लेकिन सर तुमको सब कुछ लॉजिकल तरीके से एकदम समझा देंगे ठीक है चलो भाई आज सर तो ने नहा लिया अच्छा ये कैसे तुमने पहचाना बेटा ये बताओ पहले हमको नहा लिया सर ने तुम पहचान कैसे रहे हो तो ये अपना चैनल है भैया सब जानते ही हैं ठीक है ये सारे चैनल हैं तुम लोग देख लेना ये इलेक्ट्रिकल का मैकेनिकल का सिविल का है ना ये सारे चैनल वगैरह देख लोगे सब लोग जो चाहो फॉलो कर सकते हो ये टेलीग्राम चैनल है और सर का टेलीग्राम चैनल कौन सा है यार सर का टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर लेंगे अगर पीडीएफ वगैरह तुम लोग चाहिए बाकी कोई भी तुम लोग अपने दिल की बात लिखनी है वहां पे लिखा करो ठीक है जैसे कि आज तुमने बताया एस्टिमेशन को लेकर बच्चे परेशान दें तो चिंता ना करो अब सर उसको सुन लेंगे और काम कर दिया जाएगा ठीक है चलिए सर ठीक है बातें क्लियर है एकदम हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है अब हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं क्या बिल्डिंग मटेरियल ठीक है इसको लोड होने दो तो फिर हम लोग शुरू करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से लेक्चर टाइमिंग क्या रहेगा लेक्चर टाइमिंग रहेगा बेटा लेक्चर टाइमिंग रहेगा तुम्हारा पता है क्या बताते हैं रुक जाओ आज ही तो बताया तुम लोग एक चीज को पांच बार पूछते हो एक चीज को पांच बार क्यों पूछा जाता है ये बताइए पहले एक चीज को पांच बार नहीं पूछना चाहिए लेक्चर टाइम देखो तुमको बता चुके हैं सबको लेक्चर टाइमिंग क्या रहेगा सात बजे सुबह आरसी चलेगा यूट्यूब के ऊपर और अभी पौने दो मतलब वन फोर्टी पे बी एम सी चलेगा रोज पचास मिनट मान के चलो पचास मिनट एक घंटा ठीक है सर पूरी पीबीटी तैयार करके लाएंगे एकदम जोश से तुमको समझाएंगे पूरा रटाएंगे और तुमको कमेंट करना होगा सब लोग जगे रहेंगे और जितना सर बोलेंगे उतना सारे बच्चे कमेंट करेंगे इधर सर बोलेंगे उधर बच्चे कमेंट करेंगे ऐसा चलता रहेगा और सब कुछ हम लोग को याद हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन भी सब तुम लोग करा देंगे ठीक है और कितने दिन चलेगा अच्छा जैकेट पे टाइमिंग प्रिंट करवा दीजिए ये बढ़िया आइडिया है काफी अच्छा लॉजिक दे रहे तुम है सुनो तुम तो पिट जाओगे यार इस तरह इस तरह के सजेशन मत दिया करो इस तरह के सजेशन मत दिया करो ठीक चलो मजाक था ये सब आगे बढ़ते हैं और कितने दिन चलेगा देखो बी मार्च में खत्म हो जाएगा और आर चलेगा दो महीने कम से कम ठीक है तो चलिए सर शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को बढ़िया तरीके से एकदम क्लास को हम लोग शुरू किया जाए ठीक है सब क्या आगे है ठीक है भाई तो बिल्डिंग मटेरियल हम लोग शुरू कर रहे हैं सिलेबस तुमने पूरा देख ही लिया है सबसे पहले हम लोग आ गए हैं सीमेंट के ऊपर ठीक है स्क्रीन पूरी तुमको क्लियरली विजिबल है एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है हाँ क्लास कब स्टार्ट हुआ अभी हो गया है थोड़ा टाइम हुआ है बस चलो, चलो 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 भाई बहुत कमेंट कर लिए बहुत मजा आ रहा है तुम लोग हम देख रहे हैं बहुत तुम लोग हंसी मजाक कर रहे हो चल रहा है भाई पेन इंक कौन सी ले ली जाए चलो ठीक है ये दिख रही है सबको ये दिख रही है इंक चेंज कर लीजिए वरना इंग चेंज कर लिया जरा रेड बढ़िया रहेगा रेड लग रहा है, है? रेड से लिखेंगे तो मजा ही आ जाएगा सर थोड़ा इसको हल्का सा मोटा कर लिया जाए ये बढ़िया सर अब आएगा मजा अब आएगा मज़ा भाई जरा देखना शुरू करो भाई ठीक है ठीक है भाई देखो यार तो क्या बता रहे हैं हम लोग सीमेंट के अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सीमेंट बनता कैसे वो पढ़ेंगे सीमेंट के अंदर होता क्या है होता क्या है सर सीमेंट के अंदर और हर एक

क्लिंकर तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट सी थ्री ए सी थ्री एस सी टू एस क्लिंकर कंपोजिशन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं ठीक है थीके? तो ये सारा हम लोग को वन बाय वन देखना है अच्छे से तो हम लोग अभी आज डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इंट्रोडक्शन पहले ठीक है कॉन्स्टिट्यूएंट इंट्रोडक्शन कोशिश करेंगे हम लोग सीमेंट दो तीन के अंदर उड़ा दें फिर अपना हम लोग आगे बढ़ेंगे कॉन्क्रीट के ऊपर ठीक है हमारा जो सीक्वेंस रहने वाला क्या रहने वाला है सीमेंट कॉन्क्रीट फिर क्या हम लोग पढ़ेंगे ब्रिक टिम्बर और उसके बाद जितने मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वन वन बाय हम लोग कवर करते हुए चलेंगे जैसे स्टोन लाइम मोटर वोटर जितने भी हैं छोटे मोटे प्लास्टिक ग्लास एफ आर पी फ्लाई एश, ये वो सिलिकेट एसबेस्टोज ठीक है काफी कुछ है ईजी है लेकिन ईजी है तरीके समझेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है तो चलो भाई शुरू करते हैं अपनी क्लास को शुरू करते हैं अपनी क्लास को ठीक है तो सबसे पहले लोग बात करते हैं कि सीमेंट आखिर है क्या सीमेंट आखिर है क्या बहुत ध्यान से देखना बहुत ध्यान से देखना ठीक है चलो सुनते चलो भाई सुनते चलो तो यार बड़ी कमाल की चीज है एक भाई साहब थे जिनका नाम था जोसेफ अस्दिन अब बहुत कमाली कहानियां सुनेंगे यार मजा आ जाएगा एकदम बहुत मजा आएगा भाई ठीक है जोसेफ नहीं, खतरनाक भाई। खतरनाक आदमी आदमी भाई दिमाग चलता है बहुत तेज बिजनेसमैन बिजनेसमैन थे भाई ठीक है तो जोसेफ जी थे उन्होंने भाई दिमाग लगाया उन्होंने क्या करा समझते हैं यहां देखो क्या है ये पहचान सकते हो वॉट इज दिस सर दिस इज लाइम दिस इज लाइम स्टोन ठीक है लाइम स्टोन होता है ठीक है लाइम स्टोन इन्होंने सर क्या किया लाइम स्टोन को लिया इन्होंने सर किसको लिया क्ले को लिया बेटा क्ले पहचान लो जरा मुझे पता तुम लोग क्ले पहचान नहीं पाते हो क्ले देखो यार ये तो तुम लोग घर के बाहर मिल जाएगी जरा घर के बाहर निकलो और क्या नाम है थोड़ा मिट्टी निकालो जो बहुत छोटी छोटी मिट्टी है जो बहुत ही फाइन पार्टिकल जिनको दिखाई नहीं दे रहे हैं वो क्ले ही है हमारे ठीक है इनके पार्टिकल्स उनको दिखाई देंगे इतनी छोटी सी मिट्टी होती है तो क्ले और लाइमस्टोन को क्ले और लाइमस्टोन को इन्होंने कंबाइन किया कंबाइन किया डाला थोड़ा पानी जल डाला सर जल इन्होंने सर जल डाला लाइमस्टोन में क्ले में और पानी में जल और एक मिक्सचर तैयार किया उस मिक्सचर को करा गर्म भाई साइंटिस्ट आदमी है साइंटिस्ट आदमी समझ रहे हो कमाल के आदमी जोसेफ जी जोसेफ जी ठीक है तो इन महाशय को जरा बहुत ध्यान से देखेंगे सब लोग क्या कह रहे हैं लाइमस्टोन क्ले और पानी को उन्होंने मिलाया एक मिश्रण तैयार किया और उसको करा गरम उसको करा गरम गरम करते ही हुआ चमत्कार गरम करते हुआ चमत्कार क्या बन गया बेटा क्या बन गया लिखा हुआ है सीमेंट सब लोग याद रखेंगे कि इन्होंने लाइमस्टोन क्ले पानी को गरमाया और बना सीमेंट ठीक है देखो लिखा भी है कि इन्होंने जो मिक्सर बनाया उसको इन्होंने हीट किया हाई टेम्परेचर पे ठीक है हाई टेम्परेचर पे और फिर क्या कमाल की बात थी इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बढ़िया सी एक कंपनी अपनी खोली और इनको एक ग्रांट इनको पेटेंट होता है तुम सबको पता है पेटेंट की क्या होता है वॉट इज पेटेंट पता है कि नहीं तुम लोग को पेटेंट पता है कि नहीं जब भी तुम कोई नया आविष्कार करते हो और उसे तुम सेल आउट करने जाते हो तो तुमको पता है कोई नई चीज बनी है सारे लोग कॉपी करना शुरू करेंगे तुरंत तो इसलिए तुम लोग पेटेंट लेते हो मतलब कि हमने ये चीज़ खोजी है और अगर ये कोई और बेचेगा कभी तो उस पर पड़ेगा फाइन ठीक है तो हम लोग पेटेंट करा लेते हैं कि हमारी है हमारी तो जोसेफ ने अपने साथ मिल, पेटेंट। पेटेंट मिल गया कब लिखा हुआ है 21 अक्टूबर 1824 के आसपास और इन्होंने फिर अपनी कंपनी शुरू करी बढ़िया तरीके से और फिर एक वो दिन था अठारह का जिसके पहले सीमेंट का नामो निशान नहीं था और एक आज का दिन है जिसमें सीमेंट के बिना कुछ होता नहीं है आज के दिन अगर तुम देखो कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें बहुत विकास होता है हमारे देश में तुमको पता है हमारे देश बहुत आगे जा चुका है विकास विकास की बात होती है बहुत ज्यादा है ना तो बहुत विकास होता है ठीक है तो हर विकास एक हमें तुमको पता है सीमेंट यूज होता है जैसे यहाँ यूपी गवर्नमेंट हमेशा गिनवाती थी कि हमारे राज्य में इतना कॉन्क्रीटिंग हुई है हमारे राज्य में इतनी कॉन्क्रीटिंग हुई है अमाउंट ऑफ कॉन्क्रीटिंग कॉन्क्रीटिंग तो सब सीमेंट ही सीमेंट है यार सब जगह है ना तो सीमेंट अब बहुत आगे आ चुका है बहुत ही पॉपुलर मटेरियल हो चुका है जो यूज होता है सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो जोसेफ जी ने इसको आविष्कार किया ये हमको याद हो गया जोसेफ साहब ने सीमेंट का आविष्कार किया किन किन पदार्थ का इस्तेमाल किया किन किन चीजों का इस्तेमाल किया ये भी हम समझ चुके हैं को को और क्ले ठीक है सर और बताइए हमें सर देखिए इससे पहले क्या था कि एक जगह थी हमारी यूनाइटेड किंगडम में ठीक है इंग्लैंड कह सकते हो तो पोर्टलैंड एक जगह थी वहां पे ये पत्थर मिलते थे भाई ये पत्थर देख सकते हो पत्थर हैं ये अपनी चट्टाने हैं जो काटी जा रही हैं माइन से ठीक है तुम देख सकते हो पत्थर है बहुत सारे ये हमारे पोर्टलैंड स्टोन है यार देख सकते हो ये पोर्टलैंड स्टोन है सर आप ये कहाँ से ले आए एकदम बीचों बीच में ये एकदम से ये क्यों ले आया पड़ सीमेंट रहते ये स्टोन कहाँ से घुस गया बीच में ये नहीं समझ में आया सर मैं तो बहुत ध्यान सुनना यार देखो ये पोर्टलैंड स्टोन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी सीमेंट की प्रॉपर्टी से मिलती हैं ठीक है थीके? मतलब जोसेफ साहब ने जो सीमेंट बनाया उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं और ये जो इसकी प्रॉपर्टीज मतलब कलर हो गया या बाइंडिंग प्रॉपर्टीज हो गई वो सब सेम है वो लगभग लगभग सेम है ठीक है इसलिए क्या है इसलिए क्या है कि हमारा सीमेंट का नाम पड़ा सीमेंट का नाम पड़ा पोर्टलैंड सीमेंट क्या नाम पड़ गया पोर्टलैंड सीमेंट बहुत ध्यान सुनना क्योंकि पोर्टलैंड जो स्टोन पाया जाता है पोर्टलैंड में जो स्टोन पाया जाता है और जो सीमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है सेम कौन सा सीमेंट जो जोसेफ साहब ने आविष्कार किया बात समझ में आ गई सीमेंट के पहले क्या था सीमेंट के पहले स्टोन काफी प्रचलित हुआ करते थे पत्थर काफी प्रचलित हुआ करते थे लेकिन उसमें बड़ी दिक्कत आती थी उनको आकार देना उनको काटना पीटना यार खुद सोचो ना देखो यार देखो जरा ध्यान से देखो ये पत्थर हमारे यार इनको शेप कैसे देंगे इनको कैसे काटेंगे यार इसको काटने में हालत खराब हो जाएगी इसको काटते काटते सर हम लोग खुद ही ना कट जाए तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी पहले ठीक है तो सीमेंट के पहले हमारा पोर्टलैंड स्टोन बड़ा पॉपुलर हुआ करता था ब्रिटिश टाइम में है ना पुराने टाइम में ब्रिटिश ही राज करते थे सब जगह कब्जा कर लेते थे पता ही तुमको तो एक बहुत फेमस चर्च है तुम देख सकते हो सेंट पॉल्स कैथेड्रल चर्च में तुम अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो बहुत शानदार चर्च बना हुआ है स्टोन का बना है पूरा स्टोन का है यार पोर्टलैंड स्टोन का बना हुआ है पोर्टलैंड है, 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 है।, मतलब है श्टोन, चलिए सर बात समझ में आ रही है लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सीमेंट बाद में पॉपुलर हुआ अठारह सौ चौबीस के बाद जब जोसेफ साहब ने पोर्टलैंड सीमेंट बनाया जोसेफ साहब ने जो सीमेंट बनाया उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट क्या बोलने जल्दी कमेंट कर दो पोर्टलैंड सीमेंट क्या बोल रहे हैं पोर्टलैंड सीमेंट सर समझ में आ गई बात ठीक है सर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग अच्छा हंड्रेड रुपये पेट्रोल और क्या चाहिए हाँ बिल्कुल 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 चलिए सर कहां पहुंचे थे हम लोग हाँ अब हम लोग को बात करनी है थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की बात करनी है तो कैल्शेरियस आर्गीशियस सिलेशियस कितने टाइप के मटेरियल सर तीन टाइप के तीन टाइप के मटेरियल दुनिया में पाए जाते हैं जनरी ठीक है अब देखो जैसे मान लो यहा हमारे कुछ बालक हैं कुछ बालकों का जरा नाम लिया जैसे मान लो समीर जी हैं डिंकी हैं रिया है। और जुनेत है, हैं और मोहम्मद जुनेद हैं शाहरुख हैं और अखिलेश हैं रितेश हैं जैसे मान लो ये सब बच्चे हैं ये गए अपना सड़क पर घूमने निकल गए और बचपन में जानते थे तो लोग खेलते थे तो हम लोग कोई पत्थर उठा लाए उसको खाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं चूना उठा लाए कुछ भी मतलब हम लोग गंदी चीजें उठा उठा के लाते थे और देखते थे ये क्या है ये पत्थर से फैसिनेट हो रहे हैं कुछ भी देख के हम लोग फैसिनेट होने लगते थे चाहे मिट्टी क्यों ना हो ठीक है तो अगर तुम कोई मिट्टी अपने अर्थ अर्थक्रश से लेके आ रहे हो या कोई भी स्टोन लेके आ रहे हो या कोई भी चीज उधर उठा, उठा के ला रहे हो अर्थ पे पड़ी हुई चीजें अर्थ पे ठीक है अर्थ पे नेचुरल चीज अगर कोई पड़ी है तो उसके अंदर तीन ही चीजें होने की संभावना है ज्यादातर ठीक है चार पांच चीजें होती हैं और बात कर लेते हैं सर देखिए आप अर्थ अर्थक्रश से अर्थ अर्थक्रश से आप कोई भी चीज उठाइए उसके अंदर मिलेंगी आपको पांच चीजें मेन क्या क्या बताइए एक मिलता है सर कैल्शियम ऑक्साइड दूसरा मिलता है हमको एस आई ओ टू मतलब हमारा सिलिका ऑक्साइड कह सकते हो उसके बाद हमको मिलता है सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सर हमको मिलता है Fe2O3 ठीक है और हमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड इन जनरल ये बहुत ज्यादा है यार अर्थ क्रस्ट में ये बहुत ज्यादा है सबको पता होना चाहिए हर जगह बालू ही बालू है अर्थ पे मोस्ट एबेंडेंट मोस्ट अबेंडेंट है सिलिका ठीक है सिलिका हमारी मोस्ट अबेंडेंट है ठीक है सर मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं कोई पत्थर उठा के लाया तो उसके अंदर क्या है अगर मैं एक पत्थर उठा के लाया मुझसे पूछने उसके अंदर क्या है तो मैं क्या बताऊंगा मैं तुरंत चिल्लाऊंगा सर क्या कि उसके अंदर सी ए ओ है एस आई ओ टू है ए एल टू ओ थ्री एफ ई टू ओ थ्री एम जी ओ है हाँ ये बात सही है कि परसेंटेजेज अलग अलग होंगे परसेंटेज अलग अलग होंगे लेकिन उन, उनके अंदर यही पांच छह चीजें होंगी ठीक है सर ये पांच छह जो चीज़ें हैं मुझे पहचानने में तो ऑक्साइड नजर आते हैं ये ये पहचानने में तो मुझे मेटल के ऑक्साइड नजर आ रहे हैं बिल्कुल ये मेटल के ऑक्साइड्स हैं मेटल के क्या हैं ऑक्साइड्स बिल्कुल सही बात है ठीक है तो कुछ पत्थर ऐसे होते हैं यार बहुत ध्यान सुनना ऐसा नहीं है कि तुम कोई पत्थर या मिट्टी या कोई चूना या कुछ भी उठा के ला रहे हो कोई भी अपना रॉ मटेरियल दुनिया से उठा रहे हो चाहे वो मटेरियल हमारा क्या नाम है चाहे वो मटेरियल हमारा सरफेस पे हो या अंदर हो ऑन या इनसाइड अर्थ सरफेस हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन होना क्या है उसके अंदर यही पांच छे कंपाउंड होंगे ठीक है ये स्टेबल कंपाउंड है बहुत ज्यादा अर्थ में पाए जाते हैं अब मैं कैल्शियरियस मटेरियल किसको बोलता हूं मैं कैल्शियरियस मटेरियल किसको बोल रहा हूं सर मैं कैल्शियर मटेरियल उन मटेरियल को बोलता हूं जिनके अंदर सीएओ का परसेंटेज ज्यादा हो सी का परसेंटेज ज्यादा हो और बाकी जितने भी हैं जैसे SIO2, ये 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 इन सब का परसेंटेज क्या हो कम हो कम बात बात समझ समझ में सर, में आई सर आ रही है मतलब आप ये कहना चाहते हैं मतलब आप सर ये कहना चाह रहे हैं हमसे कि लाइम स्टोन हो गया चौक हो गया मरीन शेल सीमेंट रॉक इन सब के अंदर इंक बताओ कौन सी बढ़िया ब्लू सही रहेगी ब्लू सही रहेगी कि नहीं चलो ये सही है ना तो लाइमस्टोन हो गया चौक हो गया मरीन शेल्स हो गए सीमेंट रॉक ये सब जो चीजें हैं सर अब ये जो आप चौक लेके आएंगे मान लीजिए चौक आपको पसंद आ गए उठा के लाए तो ऐसा नहीं है कि चौक के अंदर ऐसा O2 है नहीं चौक के अंदर एल टू है नहीं ऐसा नहीं है एलुमिना ऑक्साइड हो गया आयरन ऑक्साइड हो गया मैग्नीशिया ऑक्साइड हो गया या के टू और भी होते हैं बहुत सारे ऑक्साइड कम मात्रा में होते हैं लेकिन 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 सर इनके अंदर डोमिनेंट कौन है सीएओ सर कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा जबरदस्त है जबरदस्त मतलब इतनी जबरदस्त नाइनटी परसेंट तक और बाकी बचे दस परसेंट है बाकी बचे सारे मतलब अगर तुम लाइम स्टोन लेके आ रहे हो पहले तो लाइम स्टोन का नाम ही लाइम है भाई लाइम का मतलब ही क्या होता है सीएओ ठीक है लाइम का मतलब ही यहाँ पे क्या है सीएओ है समझना तो इन सब के अंदर कैल्शियम की कंटेंट बहुत ज्यादा है सीओ की कंटेंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी सारे ऑक्साइड्स समझ गए सिमिलरली सिमिलरली अगर हम बात करें ठीक है सिमिलरली अगर हम बात करें हाँ सुनना अभी कमेंट तुम लोग रुक नहीं रहे हम देख रहे हैं सुनते चलो जरा आगे ये जरासलाशियस क्या है जैसे हमारा शेल हो गया क्ले हो गया सीमेंट रॉक है चौक है ब्लास्ट फर्नेस वर्नेसैग है मार्ल है ये सब क्या है सर इनके अंदर इनके अंदर सर एस आई ओटू की मात्रा बहुत ज्यादा है इनके अंदर सर एस आई ओटू की मात्रा सॉरी तो क्या बढ़ाते एस आई ओटू कहां से आ गया सर एल टू चल रहा था ना सर आप भी जो है क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं सर आप इसको हटाओ बेटा तुम चलो हटो हट जाओ यहाँ से चलो तुम भी हट जाओ सब लोग सब लोग जाइए यहाँ से आप भी जाइए ठीक है तो अब आप बात करते हैं सर है ना अब बात कर लेते हैं हम लोग तो इनके अंदर सर हमारा क्या है कि इनके अंदर क्या हमारा ए एल टू ओ थ्री की मात्रा ज्यादा है ए एल टू ओ थ्री की मात्रा ज्यादा है सर है ना बढ़िया सर एकदम ये हमको समझ में आ रहा है अच्छा तुम सोच रहे हो सर ये सीमेंट रॉक और ये जो सीमेंट रॉक है ये इधर भी है इधर भी है ये क्या चक्कर है सर

ऐसाई टू की मात्रा अधिक है सर बहुत गजब समझ में आ गई हमको बात बात बहुत गजब समझ में आ गई है कुल के आप ये कहना हैं कि उसके अंदर चीजें पृथ्वी से कुछ भी उठाऊंगा तो मिलेंगी, मिलेंगी पांच चीजें कौन सी पांच चीजें बता दीजिए सर एक बार लाइन लिखा है लाइन फॉर्मुला सी ए सिलिका एस आई ओ टू एल्यूमिन एल टू ओ थ्री आयरन ऑक्साइड एफ थ्री मैग्नीशिया एम और इसके अलावा भी सोडियम ऑक्साइड है ना और कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम तो हो गया अपना और क्या नाम है के टू ओ एन ए टू ओ पोटेशियम ऑक्साइड ये सब भी ऑक्साइड होता है लेकिन इनकी मात्रा बहुत ही कम रहती है ठीक है और जैसे तुम हायर एलिमेंट्स की ओर जाओगे तो वो हायर एलिमेंट्स और ही रेयर हो जाएंगे ज्यादा कॉमन यही सब है तो ये पांच है इसको तुम याद कैसे कर सकते हो एक गाना सबको पता होगा सिविल इन शायद तुमने पढ़ रखा हो सलीम 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 के बारे में बहुत बच्चों ने सुन रखा होगा सलीम कौन थे जानते हो क्या तुम लोग सलीम को जानते हैं नहीं सारे बच्चे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है सागरिका का कर लो बेटा अटेंड कर लो ये क्वेश्चन कहां से आ गया गजब तुम लोग सवाल पूछते हो एकदम चलो ठीक है बड़ा जाए आगे सलीम याद कर लेंगे हम लोग तो सलीम में सर एस का मतलब क्या है सलीम को जानते हो कि नहीं तुम लोग अरे वही अनारकली वाले वही अनारकली जी के आशिक सलीम जी हमारे तो सलीम याद कर लेंगे ऐसा हमारा क्या है सर एस हमारा सिलिका है ठीक है यही पांच हमारे सिलिका एलुमिना लाइम आयरन ऑक्साइड और मैगनीशिया ये पांच ऑक्साइड हैं जो हमको हर मटेरियल में मिलते हैं हर मेटेरियल मिलते हैं ठीक है सर ये बात हमको समझ में आ रही है सर हम समझ गए कि आप बस मोटी मोटी बात हमको बता रहे हैं चाहे हम स्टोन पढ़े जैसे आपने आज हमको सिलेबस पढ़ाया पूरा तो आपने हमको स्टोन के बारे में बताया एग्रीगेट के बारे में बताया ब्रिक आपने बताया टिम्बर बताया सीमेंट बताया टिम्बर हटा दो चलो टिम्बर तो जिंदा चीज है उसको हटा दो तो जो भी हमारी चीजें ब्रिक है स्टोन है सीमेंट है या कोई भी चीज लाइम है तो हर एक चीज के अंदर हर एक चीज के अंदर यही पांच छह इसके ऑक्साइड्स हैं केमिकल कंपोजिशन यही होने वाला है हर एक चीज का हाँ परसेंटेज फ्लक्चुएट करेगा सीमेंट के अंदर ये परसेंटेज अलग चलेगा और ब्रिक के अंदर ये परसेंटेज अलग चलेगा एग्रीगेट स्टोन के अंदर ये परसेंटेज अलग चलेगा ठीक है तो हर एक चीज के अंदर परसेंटेज वेरी करेंगे लेकिन वो मेनली यही सब ऑक्साइड्स को कंटेन करेगा लाइम अधिक होगा तो कैल्शियस चिल्ला देंगे सिलिका अधिक होगा तो सिलिशियस चिल्ला देंगे और अगर एलुना अधिक होगा तो उसको आर्ग्लेशियस बोल देंगे सर बात समझ में आ गई सर इतना तो हमको समझ में आया इतना तो हमको समझ में आया ये सीमेंट क्या है सर ये सीमेंट क्या है और कैसे बनता है थोड़ा तो चर्चा करते हैं जरा है ना सीमेंट आखिर बनता कैसे है हमारे घर में सर बहुत सीमेंट आया है हमने तरह तरह के सीमेंट देख रखे हैं सर ए सीमेंट और क्या देखा है हमने बताओ भाई सीमेंट कुछ नाम है बताओ तुमने देख रखे होंगे ए सी अंबुजा सीमेंट और दुनिया भर के सीमेंट चंपा सीमेंट है ना चमेली सीमेंट बहुत तरह के सीमेंट आते हैं मार्केट में अलग अलग नाम से आते हैं ठीक है तो सुनते चलना बहुत कमाल की कहानी सर बताने जा रहे हैं तुमको तो जितने टाइप के सीमेंट तुमको बोरियों में दिखाई दे रहे हैं वो बोरियों तक पहुंचते कैसे हैं और उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे हम लोग उस प्रॉपर्टीज़ को उसमें इंकलकेट करवाते हैं इसको समझना पड़ेगा ठीक है तो सीमेंट कैसे बनता है आज हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे देखना शुरू करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस्क्रीन इस में सब कुछ विजिबल है तुम लोग को हाँ सर पूरा विजिबल है देखो सबसे हम लोग क्या करते हैं रॉ मटेरियल को लेके आते हैं रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल लाते हैं कहाँ से लाएंगे सर धरती से रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे धरती से लाएंगे ठीक है उसको लेके आए हमने उसको सही से स्टोर वगैरह किया

कैसे बताओ उठा के लाते हैं सर कैल्शियरियस और आर्गिलेशियस कैल्शियरियस और आर्गिलेशियस मतलब लाइम और एलुना की मात्रा अधिक रहती है ठीक है समझ गया सर चलिए उसके बाद हमको सही मात्रा मिलाते हैं अब ये सही मात्रा क्या होती है सर ये सही मात्रा हमको सर मात्रा याद कराइए हमको सही प्रपोर्शन याद करना है बढ़िया तरीके से एकदम क्या होता है करेक्ट प्रपोर्शन जरा समझेंगे हम ठीक है चलिए मिला दिया मिला दिया कोई दिक्कत नहीं अब उसको क्या करेंगे यार हम लोग पीसेंगे ये क्या इसको हटाओ यहाँ से ये पेन लिखा है ना यहाँ हटाओ इसको तुम आओ इधर आओ आप सही है ना आप सही है ठीक है अब उसको हम पीसेंगे पाउडर बनाएंगे पाउडर बढ़िया से पीसेंगे कैसे पीसते कैसे ऐसा थोड़ा बताइए जरा पीसने में सर मजा आता है ये देखो बॉल मिल क्या है बेटा ये बॉल मिल इसके अंदर हम लोग वो मसाला डाल देंगे पूरा जो हम लोग ने करेक्ट में आया है और इसको घुमाएंगे ये घूमेगी 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 और ये पिस्ता जाएगा ठीक है पिस्ता जाएगा ठीक है तुम लोग शायद अपने लैब में देखी भी हो एक लॉस एंजलिस मशीन होती है ठीक है वो घूमती है उसके अंदर स्टील बॉल्स होती है तो यहाँ पे भी इसके अंदर ऐसे घूम घूम के जो बॉल्स पड़ी हैं इसके अंदर के मसाले को ग्राइंड कर देंगे बहुत सिंपल चीज है ना ठीक है सर चलिए हमने इसको पीस दिया चलिए सर हमने सीमेंट को यह करा पलवाइज कर दिया कोई दिक्कत नहीं उसके बाद क्या करेंगे हम इसको गर्म करेंगे सर उसके बाद हम सीमेंट को करते हैं गर्म हीट करते हैं हीटिंग प्रोसेस को मैं बोलता हूं कैल्सिनेशन देखो जब भी तुम किसी चीज को गरमाओगे जब भी तुम किसी चीज को घरमाओगे भट्टे के अंदर ठीक है पकाओगे उसको एकदम अच्छे से पकाएंगे भट्टे के अंदर भट्टे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं किल बट्टर इंग्लिश में लोग क्या बोल रहे हैं सर किल बोल रहे हैं उसको हीट कर रहे हैं ठीक है कितने टेम्परेचर हीट कर ये इधर कैसे आ गया ये इधर कैसे खिसक गया रुक जाओ इसको इधर करते हैं जरा लोग अपने आप भाग रहे ये हैं ये तो अच्छी बात नहीं है यार अपने आप कैसे भाग रहे हो तुम भाई हाँ आप जगह पे आ जाओ ठीक जगह पे आ गए सर हम अब हम डर के रहेंगे अपने आप भाग रहे थे उधर है ये गलत चीज़ होती है भाई ठीक है सर हाँ तो उसको हम क्या करेंगे गर्म करेंगे यार गर्म करेंगे ठीक है कैल्सिनेशन बोलते हैं गर्म करने को ये देख सकते हो यहां पे तुमको किल दिखाई दे रही सबको किल दिखाई दे रही बहुत ही शानदार टाइप की चलो हाँ बोर्ड भी एक्साइटेड हो गया सही बात है सुनते रहना अच्छा सुनते चलो सुनते चलो तो क्या बोल रहे हैं यहां देखो भट्टा है ये अच्छा ये हमारी वर्टिकल किल है और सॉरी हॉर्जेंटल ये हॉर्जेंटल है कभी कभी वर्टिकल भी होती है ठीक है तो इसके अंदर जो हम लोग पीस के पल्लाइज करके जो हमारा मसाला तैयार होता है उसको हम इसके अंदर डालते हैं ये देख सकते हो आग लगी यहाँ पूरी क्रॉस सेक्शन है कटा हुआ तुम देख सकते हो यहाँ से और इधर से हमारा यहाँ पे क्या होता है ये आ रहा है इधर आएगा इधर आएगा, आएगा और इधर निकल जाएगा ठीक है और गर्म हो जाता है अच्छा गर्म होने के बाद बनते हैं सर गोल गोल क्लिंकर गर्म होने के बाद हमारे बनते हैं गोल गोल क्लिंकर इस तरह से अच्छा सर ये गोल कैसे हो जाते हैं ये लड्डू कैसे बन जा रहा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा आपने सही बोला कि चलिए हमने भट्टे के अंदर हमने भट्टे के अंदर हमने मसाला डाला पूरा पीस के बढ़िया से मसाला डाल दिया गोल कैसे हो गया सर ये गोल कैसे हुए हो भाई होता क्या है 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 ये जो किल 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 इसका इसका नाम नाम रोटरी रोटरी मतलब घूमती रहती है जब भट्टे में हमारा मसाला पास हो रहा होता है किल में मसाला पास हो रहा है तो ये घूम रही है सर अब जब ये घूमती है किसी भी चीज को तुम घुमाओगे तो अपने आप क्या होता है चीजें बॉल शेप में आने लगती हैं करके देखना तुम लोग कभी आटा लेते हो आटे को कभी कभी ऐसे करते हो ऐसे ऐसे करके घुमाते हो तो अपने आप क्या होने लगेगा गोल गोल बनने लगेगा ठीक है बिल्कुल और गोल गोल वो अपने आप क्यों बन रहा है सर क्योंकि तुमने उसको पिघला भी दिया है तुमने टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया है कि वो बहुत ही सॉफ्ट टाइप का हो गया है अब वो पिघल चुका है थोड़ा सा ठीक है सॉफ्ट हो गया है और वो घूम भी रहा है तो घूमते घूमते बढ़िया बढ़िया बॉल्स बाहर निकल के आएंगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर क्लिंकर बोलते हैं क्या बोलते हैं सर हम लोग क्लिंकर देखो यहाँ पे तो बट्टे से सर गर्मा गर्म गर्मा गर्म क्लिंकर निकल के आए यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो ये हमारे क्लिंकर हैं है ना ये देखो लाल लाल एकदम एकदम लाल गर्मा गर्म निकले हैं बाहर ठीक है इनकी कूलिंग होगी इनकी कूलिंग होगी इसको हटाओ हटाएं से तो इनकी कूलिंग शुरू होगी और फिर बाद में अच्छे से कूल हो जाएंगे जब कूल हो जाएंगे तो इस तरह से अपना ये हमारा सीमेंट लगभग लगभग तैयार है लगभग हमारा सीमेंट तैयार है ठीक है बात समझ में आ रही भाई हाँ हाँ भैया सब क्यू सब हो जाएगा चिंता ना करो सब कुछ तो कूलिंग हमारी स्टार्ट हुई और हमारे क्लिंकर बनकर तैयार फिर क्या करो क्लिंकर को पीस दो क्लिंकर को पीस दो जिप्सम को मिला दो जिप्सम क्यों मिलाते हैं अभी हम लोग समझेंगे जिप्सम जिप्सम मिलाते हैं सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए ठीक है मिलाओ और हम लोग उसको फिर अपना प्लांट में स्टोर करके पैक कर लेंगे ठीक है इस पूरी प्रोसेस को जरा हम लोग अच्छे डायग्राम समझते हैं इस पूरी प्रोसेस को अच्छे डायग्राम समझते हैं लेकिन उससे पहले हमको एक बात बताइए कि ये जो कैल्सिनेशन इसका मतलब क्या है देखो एक बात समझो यार हम लोग जब भी किसी चीज को गर्म करते हैं लेटर सपोज तुमको मैंने लिया और आग लगा दी हजार डिग्री पे आ जाओ भाई कोई बालक जैसे ने देखें बहुत कोई शैतानी कौन कर रहा है देखें अच्छे कमेंट कौन कर रहा है प्रशांत प्रशांत ने डाउट पूछा सर पी क्यू साथ में कराएंगे आफ्टर बिल्कुल अब देखो प्रशांत कोई बात पता होनी चाहिए थी लेकिन इसने सवाल पूछा तुम बेटा प्रशांत इधर आओ आओ प्रशांत इधर तो प्रशांत इधर आया हमने प्रशांत को क्या करा एक हजार डिग्री पे जला दिया उसको तो बताओ प्रशांत की जो बॉडी है वो किस चीज में कन्वर्ट होगी सोच के बताओ अगर तुम किसी चीज को जला रहे हो उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आठ सौ नौ हजार तक तो क्या होगा सर मुझे एक बात पता है आप प्रशांत नहीं आप किसी और चीज़ को जलाइए दुनिया में कोई चीज़ हो अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दो ही चार चीजें हो सकती हैं अच्छा ऐसा है क्या सर दो चार चीज़ें जरा बताइए क्या दो चार चीजें हो सकती हैं हमें तो नहीं पता हमें तो बस इतना पता है कि सर सब कुछ काला काला हो जाएगा सर बस इतना ही हम जानते हैं हम ज्यादा नहीं जानते हैं सर देखो मैं तुमको समझाता हूँ यार कभी तुम किसी चीज को अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो चौदह सौ पंद्रह तक पहुंच रहे हो तो होता क्या है तीन चार प्रक्रिया होती है सर पहली तुम्हारी जो कंपाउंड्स हैं जो कंपाउंड्स हैं वो या या तो तो होंगे होंगे या तो होंगे रिड्यूस ऑक्सीडेशन तो हो सकता है रिडक्शन हो सकता है सुनना बहुत ध्यान से तीसरी चीज वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे वो सिंपल में टूटेंगे वो सिंपल में टूटना शुरू करेंगे ये हो सकता है या तो वो चीज पिघल जाएगी एकदम पिघले फॉर्म में आ जाएगी समझ रहे हो और वो मेल्ट हो जाएगी मेल्ट हो जाएगी ठीक है

कि सीमेंट के अंदर जो हमारा भट्टा यूज होता है सीमेंट बनाते समय जो भट्टा यूज करते हैं किल जो हम लोग यूज करते हैं उस किल में टेम्परेचर कितना रखते हैं और इतना ही क्यों रखते हैं ना ज्यादा ना कम इतना ही क्यों रखते हैं ये बात भी हमको समझनी पड़ेगी भाई तो, तो तेरह से पंद्रह तक हमारा जो टेम्परेचर रहता है रोटरी किल के अंदर वो करता है इसको कैल्साइन वो इसको कैल्सिनेशन करता है सर कैल्सिनेशन सर कैल्सिनेशन मतलब हीटिंग अच्छा तो आपने बताया ऑक्सीडेशन रिडक्शन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल टूटते हैं या पिघल जाते हैं तो उन चारों प्रोसेस में से यहां क्या होता है सर आप हम लोग जब भी गर्म करेंगे तो चार चीजें होंगी उनमें से यहां पर क्या होता है सीमेंट के साथ क्या होता है वो बताइए हमें तो जो और कैल्शियर मटेरियल हम लोग लेके आए थे जो और ऑर्ग्लेशन मटेरियल हम लोग लेके आए थे उसके साथ क्या हुआ सर उसके साथ क्या हुआ है ना उसके साथ सर क्या होता है वो पिघल जाता है सर वो क्या हो जाता है पिघल जाता है और आपस में फ्यूज हो जाता है आपस में फ्यूज हो जाता है ठीक है हमको उसको टेम्परेचर बढ़ाना है हमें उसका टेम्परेचर बढ़ाना है लेकिन उसे पिघलाना नहीं है ठीक है बहुत पूरी तरह से नहीं पिघला देना है सबको पता है कि सॉलिड चीज अगर है सबको पता है सॉलिड चीज अगर है तो बाद में कहाचर बढ़ाते जाओगे तो सॉलिड हो जाएगा सही बात है सर लेकिन अगर तुम तो मेल्टिंग पॉइंट के पीछे हो मेल्टिंग के पीछे हो तो सॉलिड कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा होगा ठीक है वो सॉफ्ट हो चुका होगा वो पिघलने की स्थिति में आ चुका है लेकिन पिघलेगा नहीं पिघलेगा नहीं सिर्फ क्या होगा वो ऐसी स्टेट में जाएगा कि सब लोग आपस में जुड़ जाएंगे सब लोग आपस में चिपक जाएंगे ऐसी स्टेट जाएगा मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्रॉस भी नहीं करा और सॉलिड आपस में चिपक गए और चिपक चिपक के बन गए क्लिंकर चिपक चिपक के क्या बन गए क्लिंकर गर्मा गर्म क्लिंकर लड्डू निकलते हैं सर लड्डू ब्लैक ब्लैक लड्डू मिलते हैं सर यहाँ ये देखो ये देख पा रहे हो ये मिले हैं तुमसे पूछे सर ये है क्या ये क्या है सर ये फ्यूज प्रोडक्ट है सर ये हमारे फ्यूज प्रोडक्ट है बहुत सुनते चलना ध्यान से ठीक है ये हमारे फ्यूज प्रोडक्ट हैं इसके अंदर सारी चीजें आपस में फ्यूज हो गई हैं बिकॉज बहुत हाई था अच्छा इसके अंदर क्या होता है क्लिंकर के अंदर चीजें कैसे फ्यूज होती हैं क्या क्या, क्या, क्या कंपाउंड्स बनते हैं ये हम लोग आगे समझेंगे ठीक है अभी तुम इतना जान लो फ्यूजन करने से हुआ क्या फ्यूजन करने से हुआ क्या कि जो भी हमारे केमिकल कंपाउंड थे आपस में क्या होगा जुड़ गए सर जुड़ गए पिघले नहीं जुड़ गए ठीक है पिघलने से पहले हमने उसको रोक दिया था ठीक है बात समझ में आ गई और इस प्रोसेस में क्योंकि आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था आपने कैल्शियस कंपाउंड लिए थे कैल्शियम कार्बोनेट तो इसको जब मैं ज्यादा गर्म करता हूँ तो सीएओ और साथ ही में सीओ निकलती है, है ना तो सीओ गैस हमारी इवॉल्व होती है यहाँ पे सीओ गैस हमारी यहाँ पे इवॉल्व होती है जरा सारे बच्चे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर एग्जाम में आएगा कि सब लोग कमेंट करेंगे कि रोटरी किल जिससे हम लोग सीमेंट मैनुफेक्चर करते हैं किल के अंदर टेम्परेचर क्या रखते हैं जरा सारे बच्चे कमेंट कर देंगे एक बार ठीक है कमेंट कर दो सब लोग फटाफट के अंदर लोग क्या टेम्परेचर रखते हैं जल्दी सारा कमेंट कर दो एक बार है? है? है, है ना? जल्दी और इसमें कमेंट नहीं आ रहा है कमेंट नहीं आ रहा है, है? चलिए सर आगे बढ़ा जाए बढ़िया डायग्राम है सर ये बढ़िया डायग्राम देखा जाए जूम करते हैं सर इसको थोड़ा थोड़ा जूम किया जाए बढ़िया डायग्राम है सर एकदम ठीक है शानदार डायग्राम देखते हैं हम लोग तो अगर तुम यहाँ इसको देखना शुरू करो बढ़िया से देखो इसको कमेंट नहीं आ रहा है टेम्परेचर नहीं बताओगे तेरह सौ से कितना बेटा पंद्रह सौ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जबरदस्त जबरदस्त ठीक है चलो इसको देख लेते हैं हम लोग तुम लोग यार जबरदस्त अगर ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो क्या होगा सही पूछ हो रैपिड हार्डनिंग प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी आगे बढ़ेंगे ऐसा हम लोग ठीक है हाँ डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं बेटा देख रहे हैं हम अब देख मैं सबके कमेंट देख लिए, सब कमेंट भी पढ़ लिए। ठीक है सुनो भाई सुनो अब जल्दी तो ये हमारा डायग्राम बना हुआ है देख सकते हो ये अपनी क्वायरिंग हो रही है इमेजेस देखो जो भी हमारी चट्टाने वगैरह हैं उसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं क्रेन वगैरह से मटेरियल निकाल के हम लोग यहाँ पे डंप ट्रक के अंदर रॉ मटेरियल पूरा लेके आए ठीक है रॉ मटेरियल में कौन से कैल्शियरस और आर्गिलेश मटेरियल लेके आए और लेके आके बढ़िया से हमने उसको स्टोर कर दिया यहाँ देखो स्टोर कर दिया ठीक है जो बताया था पूरा हम उनको इमेज के थ्रू दिखा रहे हैं ठीक है क्वायरिंग हमने की अच्छे से और हमने यहाँ पे ला के बढ़िया से रॉ मटेरियल स्टोर कर दिए ठीक है सर फिर हमने रॉ मटेरियल स्टोर करने का क्या किया हमने यहाँ पे उन मटेरियल्स को करेक्ट किया अच्छा क्या करेक्शन करते हैं कैसे करते हैं लोग आगे पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे हमने मेटेरियल तैयार कर दिए उसके बाद हमने क्या करा मटेरियल्स तैयार करके हमने क्या करा सर इसको हमने मेटेरियल तैयार करके हमने इसको बिन्स में डाला और पीस दिया पीसना शुरू किया ठीक है हमने सर इसको क्या करा पीसना शुरू किया जहां से देखते रहो पीसते जाएंगे पीसते जाएंगे और उसको हम लोग वहां से लेके आएंगे कहां पे यहाँ पे रॉ मिल में है ना बढ़िया से पीसेंगे सर यहाँ पीसते जाएंगे पीसेंगे सर एकदम पीसतेदूली धूल हो जाती है सर बड़ी मिट्टी होती है यहाँ पे बहुत मिट्टी निकलने लगती है एकदम से पीसते हैं हम लोग उसे खूब मिट्टी निकलती है तो ये हमारी रॉ मिले इसके अंदर से पास करके यहाँ आगे जाएगा और यहाँ पे तुम देख सकते हो एक साथ ही साथ यहाँ लगा है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये धूल को एब्जॉर्ब कर रहा है होता क्या है पीसा पासी होती है ना भाई बहुत पीसते पीसते हम लोग ठीक है पूरा पलराइसन चल रहा है इस पूरे जोन में पलवाइसन चल रहा है तो बहुत धूल निकलती है उस धूल को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाते हैं जो धूल को हटा देता है उसके बाद हमारा सारा मटेरियल जाएगा ये क्या है बेटा रोटरी किल्न सर ये ऐसे गोल गोल घूम रही है अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूमती रहती है सर घूमती रहती है गोल गोल सर इसमें पूरा यहाँ पे देखिए पूरा सिस्टम दिया गया है कोयला वोयला लगा हुआ है ताकि यहाँ से आग निकले एकदम जोर से बढ़िया से इसमें आग निकले और टेम्परेचर हमारा चौदह से पंद्रह तक मेंटेन रहे तेरह से पंद्रह ठीक है <coughs> देख सकते हो ये किल हमारी घूम रही है बढ़िया सामान पिसके पूरा इसके अंदर आया और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये घूम भी रहा है तो धीमे धीमे फ्यूजन रिएक्शन होती रहेगी और हमारी बॉल्स यहाँ पे क्लिंकर वाली बॉल्स जो है तैयार हो जाएंगी ठीक है गर्मा, गर्मा बॉल्स यहां पे तैयार होंगी जो यहां से बाहर निकलेंगे ठीक है देख सकते हो सब लोग बिल्कुल सर तो यहाँ पे पूरा गर्म करने की व्यवस्था की गई है उसके जब ये बाहर आ जाएंगे क्लिंकर यहां पे आना शुरू होंगे तो ये तुम देख रहे नीचे से ये एयर दी जा रही है ये क्लिंकर को ठंडा कर रहे हैं क्लिंकर को ठंडा कर रहे हैं जी हाँ सर ये हमारे क्लिंकर को ठंडा कर रहे हैं देख सकते हो तुम लोग और फिर हमारा क्लिंकर ठंडा होने के बाद उसको हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे स्टोर करने के बाद हमारा सीमेंट तैयार है बस अब क्या पीसी आप उसको जो आपकी बॉल्स यहाँ पे निकल के आई बहुत सारी गर्मा गर्म बॉल्स उनको आप ठंडा करिए पहले एम्पल ऑफ टाइम दीजिए ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए उसके बाद सर आप इसमें जिप्सम और भी जो मिनरल वगैरह हैं वो सब मिला दीजिए ये सब कुछ एडमिक्सचर्स हैं जो हम लोग मिलाते हैं प्रॉपर्टीज को एनहेंस करने के लिए क्या क्या मिलाते हैं बात करेंगे अच्छा सुन लो सीमेंट को पीसते समय क्लिंकर को पीसते समय क्लिंकर को पीसते समय जो चीज़ें हम लोग मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं क्लिंकर को पीसते समय जो चीजें हम लोग मिलाते हैं उसको बोलते हैं मिनरल एडमिक्सर क्या बोलते हैं मेरे भाई मिनरल एडमिक्शर बोलते हैं ठीक है मिनरल एडमिक्सर फॉर एग्जाम्पल जिप्सम एक मिनरल एडमिक्शर है और भी मिनरल कॉम्पोनेट इसके अंदर मिलाए जाते हैं और फिर सीमेंट को यहाँ मिल के अंदर पीस दिया जाता है हमारा क्लिंकर पीस के तैयार उसके अंदर जो एडमिक्सर है वो भी मिल जाएंगे और यहाँ फिल्टर लगाया और फिल्टर से हमारा सीमेंट बाहर छन के निकल के आएगा एकदम छन के सीमेंट बाहर निकल के आएगा बढ़िया सीमेंट तैयार है सीमेंट को बंकर में बड़े बड़े साइलोज में भर देते हैं बड़े बिन्स में भर देते हैं और उसके बाद उसको हम लोग पैकिंग मशीन में लिख के ले जाते हैं ठीक है उसके बाद उसको पैकिंग मशीन में ले जाते हैं यार देख सकते हो और यहाँ पे बैग्स बन गए देखो बैग्स को बोरिंग भर के पैकिंग वैकिंग करके उसके ऊपर चंपा सीमेंट लिख के बढ़िया से उसको मार्केट में हम लोग भेज देते हैं यार ठीक है ए -सी -सी, चंपा जो भी सीमेंट यार बहुत सारे सीमेंट आते हैं यार हमने तो एक से एक दुर्लभ नाम देखे हैं भाई सीमेंट के ऊपर एक से एक दुर्लभ नाम देखे हुए हैं बताओ तुम लोगों ने देखे हैं कि नहीं बताओ भाई जल्दी बताओ हाँ एन्वायरमेंट में रहता है फिर चलो बिल्कुल चैंपियन नहीं महाचैंपियन बिल्कुल सही बात है ठीक है तो उसके बाद हम लोग सीमेंट जो है अपना तैयार हो जाता है अपना और उसको फिर बढ़िया से मार्केट में बेच दिया जाता है ठीक है तो ये सब जनरली कंपनियां करती हैं ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया सर किसका सीमेंट का है ना अब हम लोग काम कर रहे हैं क्लास को हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं समय हम लोग का समाप्त हो गया है समय समाप्ति की घोषणा हो गई सर ठीक है बाकी कल हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ड्राई प्रोसेस वेट प्रोसेस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कॉन्सिटेंट ऑफ सीमेंट वगैरह और जल्दी जल्दी सीमेंट खत्म करके हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे अच्छे से ठीक है क्वेश्चन हम लोग अच्छे से देखेंगे तो आई होप hope... अच्छा अल्ट्राटेक अच्छा कल्लू सीमेंट बांगर सीमेंट अच्छा अब तुम लोग आयो फॉर्म में यार अब तुम लोग फॉर्म में आए हो अच्छा चलो बढ़िया यार बढ़िया अच्छा मुर्गा छाप सीमेंट ये भी ये भी ये तुम लोग इतना ये सब तुम लोग को पता रहता है ना और भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो वो नहीं बता पाओगे तुम लोग क्वेश्चन अभी एक पूछा जाएगा तो वो तुम लोग नहीं बताओगे नो ठीक है तो बस चलो यहाँ पे हम लो लोग सेशन को हम लोग एंड करते हैं यार सेशन को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं आज के लिए बहुत है भाई आज के लिए बहुत है और बाकी पढ़ते रहो धीमे धीमे हम लोग सब कुछ समझ जाएंगे हाँ सस्ता नहीं सबसे अच्छा सर टाइम क्या है आपकी क्लास का ले बेटा फिर से टाइम यार लाओ टाइम फिर से बता दें एक बार सुनो अच्छा फॉर्म में तुम लोग थे पढ़ाने में सब बिजी थे ठीक है सुन लो यार जरा पहले ये टाइम देख लो पहले यार बहुत टाइम बच्चे पूछ रहे हैं बार बार एक बार एक बार सुनते नहीं हो क्या तुम लोग यार एक बार सुन लिया करो भाई टाइम फिर से जान लो सेवन एम पे भैया आरसीसी चल रही है सेवन एम पे आरसीसी चल रही है यूट्यूब के ऊपर और वन फोर्टी फाइव पी एम पे वन फोर्टी फाइव पी एम पे हमारा क्या चल रहा है बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन चल रहा है ठीक है जिन बच्चों का एस्टिमेशन छूट गया है सर पांच बजे आज से आज नहीं हो पाती है तो कल से ठीक है एक आध दिन देख लेना पांच बजे से हम लोग एस्टिमेशन कॉस्टिंग के क्वेश्चन और वो कर लेंगे क्या नाम है बचा हुआ टॉपिक एस्टिमेशन कॉस्टिंग का क्वेश्चन और बचा हुआ टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे ये तीन चीजें चलने वाली हैं ये तीन चीजें चलने वाली, है, वाली है इस महीने ठीक है समझ गए और प्लस पे यार आठ तारीख से प्लस पे आठ मार्च से शुरू होगा आर सी सी कुल मिला के अब अगले दो महीने सर आर में सारे ज्ञान चक्षु तुम्हारे खोल देंगे एकदम मजा ना आ जाए तो बेटा बताना फिर तुम कहोगे कि सर ने क्या आरसीसी पढ़ाई एकदम इंटरेस्ट हो गया पूरा जीवन सर बदल गया हम लोग का है ना आरसीसी सर बहुत तगड़ी है यकीन करो सर की आरसीसी बहुत तगड़ी है मजा आ जाएगा तुमको ठीक है चलो भैया सब लोग जुड़े रहना और ऐसे ही सब लोग साथ रहेंगे तो मजा आएगा ठीक है सब लोग साथ रहेंगे तो मजा आएगा इस तरीके से सब लोग चलते रहेंगे और कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा जान लो क्लास कोई मिस नहीं करेगा सब पहले बता रहे हैं ठीक है तुम लोग क्लास में आते नहीं हो मजा नहीं आता फिर तो ठीक है यार सब लोग एंड करते हैं और बाकी सिलेबस वगैरह हमने डिस्कस कर ही लिया है टेलीग्राम पे जुड़ जाना और थैंक यू एवरीवन सब लोग अपना ख्याल रखेंगे ठीक है ख्याल रखो मिलते हैं हम लोग कल और अगर हो पाएगा तो इसमें क्लास हम लोग लेते हैं शाम को वरना कल से होगा सब कुछ ठीक है तो सुबह सात बजे और दोपहर में पौने दो बजे बाकी ई का टेक्निकल बैच शुरू हो चुका है अब तुम लोग अपना क्षेत्र सर से तीन बजे अपना पढ़ो ट्रांसपोर्ट ठीक है टेक केयर अविवन टेक केयर ख्याल रखो सब लोग It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream. Deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy combat. Register now.